हेलो स्टूडेंट्स मेनी क्वेश्चन आर अराइजिंग इन योर माइंड एट दिस मूमेंट ऑफ टाइम के हाउ मेनी टेस्ट आई हैव टू गिव वॉट इज द राइट टाइम टू गिव द मॉक टेस्ट बिकॉज यू आर एट द कम्पलीशन ऑफ योर सिलेबस आपका तैयारी पूरा हो चुका होगा सिलेबस कम्प्लीशन को लेकर तो क्या ऐसे पॉइंट्स है जो आपको टॉप परफॉर्मर बना सकते हैं तो आज का हमारा टॉपिक है एज यूर एग्जाम्स विद द एज दैट टॉप परफॉर्मर्स ला वॉट इज द स्ट्रैटेजी व्ट इज द प्लानिंग दैट टॉप परफॉर्मर्स डू एट दिस मूमेंट ऑफ टाइम किस तरह से आप भी एक टॉप परफॉर्मर बन सकते हैं अपने पहली बात आर यू रेडी टू फेस एग्जाम को फेस करने के लिए आपका सिलेबस आपका न्यूमेरिकल सॉल्विंग इच एंड एवरीथिंग इज रेडी नेक्स्ट इज वॉट इफ यू कूड गेट दैट एक्सपीरियंस एट यूर होम इट्स मच रिक्वायर्ड के हमें अगर सारे एक्सपीरियंसिस हमें घर बैठे मिल जाए तो इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता जेई अनप्रेडिक्टेबल नेचर रिक्वायर्स मोर देन प्रिपरेशन ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जेई जो है बहुत अनप्रेडिक्टेबल एग्जामिनेशन है तो अगर आप प्रिपेयर हैं तो ये मत सोचिए कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और यू विल बी टॉप परफॉर्मर नो इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि कितना भी प्रैक्टिस कर लीजिए यू विल सी अश्चन एवरी टाइम इन जेई एग्जामिनेशन राइट तो इट्स अ प्रैक्टिस गेम

विंग द कॉन्फिडेंस टू क्रैक जे एग्जामिनेशन विद गुड परसेंटाइल गुड रैंक एंड गुड कॉलेज तो मिमिक द रियल जे एनवायरमेंट बहुत जरूरी है कि हम रियल जे एनवायरमेंट को मिमिक करें अगर हम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है रियल जे एग्जामिनेशन में जाके यू विल भी फेसिंग प्रेशर एंड सो मेनी थिंग्स आप कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त तो यह बहुत जरूरी है कि आप रियल जे एग्जामिनेशन को मिमिक करें मैनेज टाइम स्ट्रेस एंड अनसर्टिनिटी बहुत जरूरी है कि टाइम स्ट्रेस को मैनेज करना और अनसर्टेनिटी से कैसे फाइट करना है ये भी आपको आना चाहिए प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड यस क्योंकि वहां कुछ भी हो सकता है यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट इफ यू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट देन यू विल द चैंपियन राइट नेक्स्ट हाउ डज इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस आपका कॉन्फिडेंस कैसे बूस्टअप होगा सबसे पहली बात रिपीटेड एक्सपोजर टू एग्जाम लाइक सिचुएशन जितनी बार देखो ऐसा होता ना कोई भी वर्क हम लोग कर रहे होते हैं तो हमें यह बात पता होता है कि हम बार बार फेल हो रहे हैं बट यू आर नॉट फेलिंग यू आर गेटिंग एक्सपीरियंस टू फाइट दैट बिकॉज एट द लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम यू विल बी सक्सेडिंग विद गुड मार्क्स या गुड रिजल्ट राइट तो रिपीटेड एक्सपोजर टू एग्जाम लाइक सिचुएशन जितना ज्यादा एग्जाम लाइक सिचुएशन से आप फाइट करेंगे जितने एग्जाम्स आप देंगे जितना सही तरीके से रियल जे एग्जामिनेशन को आप फाइट करेंगे उतना ज्यादा आप उस पर एक्सपर्टाइज को हासिल करेंगे बिल्ड टर स्टेमिना फॉर टफ क्वेश्चन ये भी जरूरी है देखिए क्या होता है कि बच्चे कई बार ऐसा होता है कि मुझे इतना ही करना है और मेरे को इतना रैंक मिल जाएगा देन आई विल बी कंफर्टेबल नहीं आपको अपना स्टैमिना बिल्डअप करना है ऐसे क्वेश्चन करने में जो आपकी रैंक डिसाइड करेंगे क्योंकि कुछ सवाल जेई में इस तरह के पुट किए जाते हैं जो रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन होते हैं अगर आपने उनको करने का स्टेमिना डेवलप कर लिया देखो सिंपल क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन डू बट इफ यू बिल्ड द स्टेमिना टू सॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चन हमें अंडर प्रेशर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं सबसे पहली बात तो प्रेशर लेना ही नहीं है देर इज नथिंग लाइक प्रेशर बी कूल बी काम बट ये कब आएगा ये तभी आएगा जब आप रियल जेई एग्जामिनेशन को बार 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 प्रैक्टिस करेंगे और आप उसमें एक्सपर्टाइज को हासिल करेंगे

हाउ शुड यू इम्प्रूव जब तक इंप्रूवमेंट पर काम नहीं होगा तब तक आप टॉप परफॉर्मर नहीं बन सकते और सभी का सपना है कि वो टॉप परफॉर्म करके दिखाएं जी एग्जामिनेशन ट्रैक प्रोग्रेस एंड इंप्रूव वीक एरियाज आपको अगर ये पता लग जाए कि मेरे वीक एरियाज क्या है डायरेक्टली इफ यू कम टू नो कि यह मेरे वीक एरियाज हैं इन सारे वीक एरियाज में मैं काम करूंगा तो डेफिनेटली में उस क्वेश्चन को उस न्यूमेरिकल को बहुत ईजीली सॉल्व कर पाऊंगा फोकस ऑन कंटिन्यूस ग्रोथ डेट रिजल्ट इन कंटिन्यूस ग्रोथ ऑब्वियसली बात है आपने इंप्रूवमेंट पे, पे काम किया आपने अपनी स्ट्रेंथ भी देखी मेरी स्ट्रेंथ क्या है कहां पे मैं स्ट्रॉग हूं और आपको अपने वीक भी पता लग जाए तो आई थिंक नथिंग कैन स्टॉप यू देन यूर थ्रू राइट नेक्स्ट थिंग इज हाउ ड्रूव टाइम मैनेजमेंट कैसे आपका टाइम मैनेजमेंट सॉलिड होगा टाइम मैनेजमेंट सॉलिड करने का तरीका क्या है प्रैक्टिस सॉल्विंग क्वेश्चन विद इन टाइम लिमिट्स

अब उसमें आप मैथड से सॉल्व करोगे इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम बट अगर आप उसको ट्रिक से करोगे तो आई थिंक दैट विल बी टेन टू फिफ्टीन सेकंड क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे गए जे में इवन एडवांस की भी बात करें या मेंस की बात करें बहुत सारे सवाल पूछे गए जो ट्रिकी होते हैं और जल्दी सॉल्व होते हैं तो ये सीखेंगे कैसे हम कि कैसे हम ट्रिकी क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करें और उसको सॉल्व कर पाए जस्ट बाय प्रैक्टिस एक बात और ध्यान रखिएगा हमेशा के वन क्वेश्चन इज इनफ टू रियोन योर एंटायर पेपर ईगो पे नहीं लेना है कभी भी किस क्वेश्चन को ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सपर्ट हूं तो आई विल डू क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन इन द पेपर डेफिनेटली के वो क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट पूछा हुआ हो तो ईगो पे नहीं लेना है। इस बात का ध्यान रखिए आपको सेलेक्टिविटी पे ध्यान देना है किस क्वेश्चन को करना है किस क्वेश्चन को नहीं करना है एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन द जेई एग्जामिनेशन इफ यू आर नॉट अडॉप्टिंग इट दैट मीन्स यू विल फेस प्रॉब्लम इन रियल जेई एग्जामिनेशन राइट नेक्स्ट इज अब मैंने आपको सारे पॉइंट्स तो बता दिए कि आपको क्या मॉक टेस्ट देना चाहिए व्हाट इज द राइट टाइम दिस इज द राइट टाइम यू कैन गिव मॉक टेस्ट इससे बेस्ट टाइम नहीं है कि आप अपनी प्रिपरेशन को एस करके और टॉप uh, परफॉर्मर बन सकते हैं तो उसके सोल्यूशन क्या होंगे अब मैं बताने वाला हूं एलन ऑनलाइन प्रोग्राम्स मेजर टेस्ट सीरीज इफ यू वॉन्ट टू बी अ टॉप परफॉर्मर तो डेफिनेटली यू हैव टू अडॉप्ट टेस्ट सीरीज इस मोमेंट ऑफ टाइम पे आपको एक रियल जे एग्जामिनेशन की फील चाहिए तो आपको अब ऑप्ट ही करना पड़ेगा राइट ऑनलाइन टेस्ट एंड एनालिसिस सबसे पहली बात तो ये टेक टेस्ट फ्रॉम एनालिसिसम एनीयर विदिन ट्वेंटी फोर आवर विंडो यू आर हैविंग अ आवर विंडो टू गिव द टेस्ट नेक्स्ट डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस फॉर एवरी टेस्ट मैंने आपको कहा था इट इज मस्ट नेसेसरी टू हैव द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द टेस्ट वॉट आर योर स्ट्रेंथ स्ट्रेंग आर योर वीकनेस इफ यू आर हैविंग दैट डाटा तो डेफिनेटली टॉफ परफॉर्मर अगर आपके पास डाटा ही नहीं है कि कहां पर आप वीक है तो आप इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे तो यू विल वर्क ऑन डेट ना अगर आपको पता ही ना हो कि मैं कहा स्टैंड करता हूँ वॉट इज माई एक्चुअल रैंक ऑल इंडिया रैंक सारे बच्चों में मेरी रैंक क्या आ रही है अगर मुझे पता ही ना हो तो मैं इंप्रूव क्यों करूंगा फिर मुझे तो ऐसा लगेगा सौ बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और आई एम स्कोरिंग थर्ड एंड फोर्थ रैंक तो दैट इज नॉट एक्चुअल रैंक ना तो बेंच मार्क काफी बच्चे इस एग्जाम को देते हैं तो डेफिनेटली आपको यह पता लगेगा कि आपकी एक्चुअलिटी में रैंक क्या चल रही है वॉट यू आर स्कोरिंग राइट नो वेयर यू स्टैंड एट आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वही वाली बात मैंने आपको बताई कि आपको पता लग जाएगा कि आप कहां पे वीक है कहां आप स्टैंड करते हैं और क्या आपकी स्ट्रेंथ है और कैसे आप उस पर काम कर सकते हैं राइट नेक्स्ट इज कस्टम प्रैक्टिस अब कस्टम प्रैक्टिस क्या है कि लेट अस सपोज आई एम फेसिंग डिफिकल्टी इन इन सम सम टॉप सब टॉपिक टॉपिक मैं कहीं ना कहीं डिफिकल्टी फेस कर रहा हूं आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस मोर क्योंकि मुझे यह तो पता लग गया कि वॉट आर वाई माई वीकनेसेस मैं उस वीकनेस को इंप्रूव कैसे करूंगा तो एलन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो मेजर टेस्ट सीरीज है इसके साथ आपको कस्टम प्रैक्टिस का फीचर भी मिलेगा बच्चों कस्टम प्रैक्टिस फीचर का मतलब यह हुआ You will be of more than plus आप टॉपिक टॉपिक वाइज को कस्टमाइज कर सकते हैं और आप घर बैठे uh, कर सकते हैं right? जैसे कि मैंने आपको बताया, ये फीचर भी आपको मिलेगा इस फीचर में क्या है? मैंने आपको बताया मुझे इंप्रूवमेंट करना है कहा इंप्रूवमेंट करना है नहीं पता तो इट कीप ट्रैक्स ऑफ ऑल योर मिस्टेक्स ऑल योर वीकनेसेस ये आपके सारे वीकनेस और सारी जो मिस्टेक्स आपने किए उनका ट्रैक रिकॉर्ड रखता है और यह आपको बताएगा कि आप कहां पर गलत है वॉट इज योर वीकनेस ट्रैक एंड फिक्स ऑल योर मिस्टेक इन वन प्लेस सारी की सारी जो मिस्टेक आपने किए डैट विल बी रिकॉर्डेड एट वन प्लेस बस आपको पता लगना है पता लग जाएगा कि कहां पर आप वीक है जस्ट ट्राई टू इंप्रूव दैट इंक्रीज योर रिविजन स्पीड एंड इंप्रूव योर स्कोर इससे क्या होगा आपका टाइम बचेगा आपको यह सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं कहां पर वीक हूं क्या क्या मेरे वीकनेसेस है मुझे कहां पर वर्क करना है इट कीप द ट्रैक ऑफ डैट बस आपको उस पर क्या करना है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है ऑनलाइन मेजर टेस्ट सीरीज में आप देख सकते हैं कि ट्वेल्थ के लिए है प्लस के लिए दिस इज फॉर जेम इन्स मेजर टेस्ट सीरीज टारगेट टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव This is again 12 plus J main major test series. This is mains and advanced 2025 class 12 for class 12th, and this is for class 12 plus mains and advanced. Right everyone? So this is all about in this session. Hopefully आपको सारी बातें समझ में आएगी कि आपको सारे सवालों का जवाब मिला होगा कि what is the right time, how many test I have to give? तो so, all is customized in this. सब चीजें आपके लिए ready हैं. Each and everything is ready. तो क्या करना है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करना है देन यू आर थ्रू जस्ट गो एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद एनर ऑनलाइन मेजर टेस्ट सीरीज थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर पेशेंट लिसनिंग